तो हेलो यार दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं कंप्यूटर वाला माउस यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्क्रीन में, ठीक है ना, ताकि मोबाइल में थोड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर। अगर वीडियो में अगर माउस यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना है जो हम बताते हैं, तो माउस यूज़ करके अगर हम बताते तो थोड़ा अच्छा लगता है, लुक अच्छा लगता है। तो मैं कई सारे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो में कंप्यूटर वाला माउस, जिसे हम कर्सर कहते हैं, मैंने यूज़ किया है। तो वो सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है कमेंट करके मेरी वीडियोस में कि क्या भाई आप कंप्यूटर वाला माउस कैसे यूज़ करते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके एक दो दोस्त ने पूछा है, इंस्टाग्राम के फ्रेंड ने मेरे, कि भाई अपने वीडियो में कंप्यूटर माउस कैसे यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। तो अगर हम अपने मोबाइल में कंप्यूटर माउस यूज़ करना चाहते हो आप अपने वीडियो के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो आपने क्या करना है, तो अगर आप प्ले स्टोर से भी आप कई सारे ऐप मिल जाएंगे, ठीक है ना, माउस वाले, तो आप इसे यूज़ करते हो। कोई एक ऐप है ऑलवेज विजिबल माउस, अभी इसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता, हैंग हो जाता है। देखो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है, जैसे इसे हम ऑन करेंगे तो ये कुछ तरीके से आता है, आपको इसे क्लोज़ करना पड़ेगा, कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पर माउस यूज़ करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, अपने गूगल से एक PNG जो आइकन होता है ना, इस तरीके से जो माउस का, अपने से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपनी गैलरी से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अपने से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। PNG फाइल होना चाहिए, ठीक है, PNG कर्सर होना चाहिए, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। फिर से उसके बाद आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है और अपने एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है, AJ स्क्रीन रिकॉर्डर अपने से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसे ओपन करना, ठीक है। जैसे ये ओपन करोगे आपने इसे पूरा अलाउ कर देना, ठीक है। अब जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम अलाउ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जो भी सेटिंग इसे हम इसके अलाउ कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने अलाउ करना। ओके, डन हो गया। अब हम ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा, इसे ओके करेंगे और ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमें सेटिंग पे जाना है, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है, टेक्स्ट एंड लोगो का, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो लोगो, ये अभी ऑफ है, ठीक है, आपने इसे ऑन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, अपने इसे ऑन करना है, ठीक है। जैसे इसे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इमेज ऐप आइकॉन का, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसे अलाउ करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टिकर ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्टिकर के बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे स्टिकर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इमेज स्टिकर स्क्रीन शॉट डाउनलोड व्हाट्सअप इमेज कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा। तो आपने क्या करना, डाउनलोड पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपका जो कर्सर है, जो माउस का जो आइकन है, यहाँ पे आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करने से सेलेक्ट कर लेना। देखो इस तरीके से भी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, अब देखो इस तरीके से काम कर रहा है। ओके, फिर आपने क्या करना है, इसकी साइज़ से काफ़ी बड़ा है तो आपने इसे साइज़ पे क्लिक करना है यहाँ पे नीचे, और इसे आपने थोड़ा छोटा कर देना, यानी आप कर सकते हो एक 15 तक, ठीक है, ओके 15 तक रख लेना और ओके कर देना। फिर साइज़ इसकी थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ओके, ये आपने सेट कर लिया, ठीक है। अभी हम जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम इसे बंद कर देते, ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम रिकॉर्डिंग इसे बंद कर देते, ओके। तो जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो आप देख सकते हो वो आइकन चला गया, ठीक है, माउस का। अब वापस हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते, AJ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे माउस का आइकन यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप अपने मोबाइल की इसे रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आइकन आ जाएगा और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप जो भी चाहिए कलर का आइकन, जो भी है माउस का आइकन, आप यूज़ कर सकते हो, वाइट ब्लैक आप PNG आपने डाउनलोड करना है गूगल से और इसे यूज़ करना है, ठीक है। अब मेरे पास अभी देखो यहाँ पे दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, एक में माउस आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो माउस नहीं है, और इसमें जो AJ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने ये माउस लगाया हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप इसे आसानी से डाउनलोड करके अब यूज़ कर सकते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो आज की वीडियो में इतना ही, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, जो हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कंप्यूटर वाला माउस आइकन जो कर्सर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी आपको आसानी से सीख गए उसे कैसे यूज़ किया जाता है डाउनलोड करके, ठीक है ना। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आप भी इस तरीके से अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कंप्यूटर वाला माउस आइकन कर्सर अपने यूज़ करना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।